सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक एंटीवायरल ड्रग जिसका प्रयोग आपको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जिसे हम सभी इसके मूल कॉम्पोजिशन नेम फेविपिराविर के नाम से जानते हैं। फेविपिराविर आपका दवा का मूल एवं जेनिक नाम हो जाता है। जहाँ अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें आपको फेविफ्लू टैबलेट एवं फेविविट टैबलेट हैं। तो ये दोनों इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट हो सकता है आपके एरिया में इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो। जो दवा का मूल कंपोजिशन होगा वो आपको फेविपिराविर ही होगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे हम वीडियो में सीखेंगे, जिनमें हम मेनली तौर पर सीखेंगे इसके यूजेज के बारे में विस्तार से, साथ ही साथ क्या इसकी डोज रहती है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, इसका जब प्रयोग किया जाता है तो क्या इसकी डोज होती है, कितने लंबे समय तक इसका प्रयोग लेना होता है, साथ ही साथ वह कौन से मरीज है जिसे हम फेविपिराविर टेबलेट नहीं दे सकते। वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इनके कुछ इंटरेक्शन के बारे में कि यह कुछ ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो इन बातों का आपको महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखना है कि यह किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की थोड़ी जानकारी होती है वह काफी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दें एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपका दोस्त किशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर। फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि वायरस द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम फेविपिराविर के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, इवन 800 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अब वीडियो में आगे हम जान लेते हैं दोस्तों इसके यूजेज के बारे में। अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं तो अभी हाल ही के दिनों में फेविपिराविर टेबलेट का प्रयोग आपको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है। यह कोरोना वायरस के जो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, मतलब जो शुरुआती इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। फेविपिराविर टेबलेट का प्रयोग कोरोना वायरस इन्फेक्टेड मरीज के ऊपर किया गया क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जब इस टेबलेट का प्रयोग हुआ तो अगले ही दिन जो मरीज थे उसके अंदर जो कॉफिंग की सिस्टम सिम्टम्स थे एवं जो फीवर था वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया, उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था एवं पेशेंट की कंडीशन में बहुत ही अच्छा सुधार देखा गया था। तब से अभी तक इसका प्रयोग आपको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। अगर हम फेविपिराविर टेबलेट के डोज की बात करते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, तो जो कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको फर्स्ट डे में आपको 1800 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह एवं शाम दिया जाता है, एवं इसके बाद सेकेंड डे से उसको जब तक कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड होता है मैक्सिमम 14 डेज तक उसे हम 800 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह एवं एक टेबलेट शाम प्रयोग में देते हैं, या फिर हम उसे 400 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह एवं 400 मिलीग्राम की एक टेबलेट शाम प्रिस्क्राइब किया जाता है। 14 डेज के अंदर उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो पेशेंट होता है वह जल्द ही कोरोना वायरस से रिकवर हो जाता है। अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे कोई भी मेडिसिन उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होता ही है। अगर हम फेविपिराविर टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं उसमें पेशेंट को नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, स्किन पे रैसेज आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर पेट के अंदर क्रैम्स आ सकते हैं, पेशेंट को डायरिया की समस्या हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है एवं आई पेन या फिर ब्लर विजन जैसी समस्या देखने को मिल सकता है। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो फर्दर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर इसके अलावा अगर कोई आपको अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तब भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि वह जल्द से जल्द आपको दूसरी ट्रीटमेंट दे सके। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं दोस्तों इसे कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग्स के ऊपर हमें क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी भी एंटीवायरल ड्रग से एलर्जिक रखता हो तो हम उसे फेविपिराविर टेबलेट नहीं दे सकते, या फिर अगर आप खुद किसी एंटीवायरल ड्रग से एलर्जिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसका जो प्रयोग है वह 12 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कभी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह जो भ्रूण होता है एम्ब्रॉय होता है उसको यह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा यदि कोई महिला जो कि ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की सीवियर समस्या है तब भी डॉक्टर द्वारा टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्तियों के अंदर इसको स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ आपको दिया जाता है, एवं जो गॉट वाले पेशेंट है जिनको गठिया रोग की समस्या है उसे भी आप स्पेशल केयर के साथ में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो
तो फ्रेंड्स हमने यह पूरी कोशिश की है कि फेविपिराविर टेबलेट के बारे में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, एवं चैनल पे आप हमारे नए व्यूअर है तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले।